नमस्कार। खूंटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं चिकित्सा उपचार को बेहतर करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को उपायुक्त श्री शशि रंजन ने मुढ़ू प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर वहाँ की जानकारी ली। बता दें कि उपायुक्त श्री शशि रंजन द्वारा जिले भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर लगातार औचक निरीक्षण की जा रही है। अगली खबरों में बता दें कि खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा खूंटी शहर के सब्जी विक्रेताओं एवं अन्य जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं साबुन का वितरण किया गया। इसके साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति आवश्यक जानकारी भी दी गई। खबरों में आगे बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेविका, सहायिका एवं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय भाषा में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। खबरों में आगे बता दें कि 13 मई को रानी फॉल के पहाड़ी क्षेत्र में एक सिर कटा लाश पाया गया था, जिस मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लाश की पहचान कुजराम निवासी भोज मुंडा के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या उसकी प्रेमिका ने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर कर दी थी। जिस मामले में लड़की सहित चारम बरटोली निवासी रोहित मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खबरों में आगे बता दें कि जिले भर में लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है, जिसमें अब तक 75 लोगों से 40,200 रुपये की जुर्माना वसूली गई है। वहीं मास्क चेकिंग के दौरान 328 लोगों से कुल 65,310 रुपये की जुर्माना वसूली गई है। और अब अंत में जिले की कोरोना रिपोर्ट। बता दें कि शुक्रवार को खबर प्राप्ति तक जिले भर से 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो गई थी, जबकि 1 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। वहीं 140 लोगों की छुट्टी हो गई, जबकि 628 एक्टिव केस अभी है। खूंटी जिले की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।